किसानों के बैंक खाते में अब साल के 6,000 नहीं बल्कि 12,000 रुपए आएंगे। जी हाँ, अगर ये बात आपको नहीं पता तो चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। बात पीएम किसान योजना की हो रही है। इस योजना के तहत किसानों के खाते में हर साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अभी तक इस योजना के तहत किसानों के खाते में 15 किस्त दी जा चुकी है। फरवरी से मार्च के बीच 16वीं किस्त दी जा सकती है। अब इस योजना से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा योजना के तहत दी जाने वाली रकम को दोगुना किया जा सकता है, यानी जिन किसानों को इस योजना का लाभ हो रहा है उनके खाते में अब 6,000 की जगह 12,000 रुपए आएंगे। हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन यानी कि ICRIER ने एक रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाने की बात कही गई। ICRIER ने अपने रिपोर्ट में बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए कहा कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और महंगाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को किसानों की मदद के लिए आर्थिक सहायता राशि को कम से कम 12,000 रुपए कर देना चाहिए। इतने नहीं, केंद्र सरकार अब MSP बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। जी हाँ, दरअसल किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाने वाली राशि को बढ़ाने के साथ ही केंद्र सरकार MSP पर भी विचार कर रही है। MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत होने वाली खरीदारी को भी बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस योजना का लाभ किसे मिल सकता है और अगर आप भी किसान हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठाने के लिए किसान भारत का नागरिक होना चाहिए। किसान को भूमि का मालिक होना चाहिए। किसान के पास कुल भूमि क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसान का परिवार कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसान के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का फायदा उन किसानों को नहीं मिलेगा जिन्होंने इसके लिए आवेदन नहीं किया था। वो किसान भी शामिल है जिनका आवेदन स्वीकार नहीं हुआ था, उन किसानों को भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। योजना की शर्तों का उल्लंघन करने वाले किसानों को भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप किसान योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज।